बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम योर जनरल नॉलेज टीचर। माई नेम इज़ नायला हयात। टुडे आवर टॉपिक इज़ हेल्थ एंड क्लीनिनेस, सफाई, सेहत और सफाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई निस्फ ईमान है। हमें अपने इर्द गिर्द, अपने घर को, अपने स्कूल को और अपने इर्द गिर्द बैठने उठने की जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए है। दुनिया में जितनी भी बीमारियां फैलती हैं वो गंदगी से फैलती हैं, और गंदगी पर मक्खियां बैठती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और फिर जरासीम एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं और बीमारियां फैलती हैं। नाउ वी विल रीड दिस टॉपिक फ्रॉम आवर बुक। ओपन योर जनरल नॉलेज नोट्स पेज नंबर 12। ओपन बुक पेज नंबर 12, देयर इज़ चैप्टर नंबर 3, हेल्थ एंड क्लीनिनेस। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, सफाई की क्या अहमियत है। क्लीनिनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ओवर हेल्दी लाइफ। हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। इट इज़ आल्सो ओवर इस्लामिक ड्यूटी टू कीप आवर सेल्व्स एंड आवर एनवायरनमेंट क्लीन। हमारे इस मुसलमान होने के नाते और हमारी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द के जगह को साफ़ रखें और ख़ुद को भी साफ़ रखें। बेनिफिट्स ऑफ क्लीनिनेस, सफाई के क्या फ़ायदे हैं। एवरी वन विल लाइक अस व्हेन वी कीप आवर सेल्फ एंड आवर एनवायरनमेंट क्लीन। नो वन लाइक्स अनहाइजेनिक कंडीशंस एंड स्टेंच। बाय स्टेइंग क्लीन वी अवॉइड मैनी डिजीजेस। यू नो दैट अल्लाह लव्स दोज हु आर प्योर। Cleanliness is part of our faith. Ways of cleaning. How can we keep ourselves clean? Brush our teeth twice a day. दिन में दो दफ़ा दांत साफ करें। Hair should be combed daily. बालों को रोज़ाना कंघी करनी चाहिए है। We should trim our nails once a week. हमें अपने नाखून हफ्ते में एक बार ज़रूर काटने चाहिए हैं। We should बाथ डेली, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए है। ऑलवेज पुट लिटर इन द ट्रैश, हमेशा गंद को जो है वो डस्टबिन में डालना चाहिए है। व्हेन शुड वी वॉश ओवर हैंड, हमें अपने हाथों को कब साफ करना चाहिए है। सबसे ज़्यादा गंदगी जो है वो हाथों से ही फैलती है। वॉश योर हैंड्स थोरोली बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए है। Wash your hands thoroughly with soap after using the toilet. Toilet use करने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। How to wash hand? There are the ways how we can wash our hands. Now move to page number 14. My name is Ali. I am student of class 1. I like to be clean. My friends also like to be clean. I brush my teeth regularly. I do my hair every day. I trim my nails once a week. Causes and prevention of disease. बीमारियाँ फैलने की क्या वजूहात हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता है। Diseases are spread by germs. Germs are so small that we cannot see them. Germs found in dirty things and dirty places. They are present on dirty hands, clothing, food and other objects. They enter our body and make us ill. Cold, cough, stomach ache, various stomach ailments are caused by unhealthy habits. Unhealthy habits: drinking contaminated water, eating unhealthy food, not washing hands, not taking care of cleanliness around, not taking exercise, biting nails with teeth, repeated cleaning by putting a finger in the nose, not getting proper sleep. Preventions of disease. We can save ourselves from disease by getting up early in the morning, sleeping early at night, washing hands before eating, eating clean food, taking care of cleanliness around, taking bath daily. Now there is exercise.
on page number 17 we will do this. Mark correct for the correct answer and cross for the incorrect answer. We should bath daily. बिल्कुल हमें रोज़ाना नहाना चाहिए. This is the correct statement. We should drink clean water. हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए. This is the correct statement. We should not brush our teeth. No, it is wrong statement. So we will cross it. We should get up early in the morning. बिल्कुल ठीक है, हमें रोज़ाना सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए है. We should play in the mud. No, हमें गंदगी में नहीं खेलना चाहिए, कीचड़ में नहीं खेलना चाहिए. We should eat dirty food. No, हमें साफ़ सुथरा खाना चाहिए. We should not grow nails. हमें नाखूनों को बड़ा नहीं होने देना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. We should exercise daily. हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है. Now student, there are some short question of this chapter. Question number 1. How many times should the teeth be cleaned daily? Teeth should be cleaned twice a day. Question number 2. Why is cleanliness important? For healthy life, cleanliness is important. There are 2 long questions of this chapter. How are all germs harmful? Answer is, germs enter in our body and make us ill. The question number 2 is, write good and bad habits, any one for each. Means any one good and any one bad habit. The good habit, speak truth, and the bad habit, not washing hands. हाथों का ना धोना बहुत गंदी आदत है या बहुत बुरी आदत है. Now student, I hope you can understand the importance of cleanliness and the healthy lifestyle. Okay, thank you. Reread this chapter from your notes. Thank you so much.